समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर इनकम टैक्स का छापा। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बलिया से है, जहां सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर इनकम टैक्स का छापा। आपको बताते चलें कि राजीव राय को घर में नजरबंद कर प्रशासन की मौजूदगी में छापा, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप। वहीं सपा नेताओं में आक्रोश बना हुआ है। इसको गंभीरता से लेते हुए सपा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जूही सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा कि बीजेपी में बौखलाहट है, जिसके वजह से सरकार ये कृत अपने एजेंसियों से करा रही है और सपा इससे डरने वाली नहीं है। मुकदमा कराए, कुछ भी करे, 2022 में समाजवादी पार्टी को अपार जन समर्थन और जन सैलाब मिल रहा है। पहुंची थी एक निजी कार्यक्रम में जूही सिंह। भारत मीडिया के लिए बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीबी राजीव राय के घर पर आईटी का छापा पड़ा है। ऐसे में इस आईटी के छापे और इनकम टैक्स के छापे को किस नजरिया से देखना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी सरकारी छापेमारी और किसी भी मुकदमे से नहीं डरता है। आज इनकम टैक्स का छापा पड़ा है कुछ लोगों पर, इसके पहले हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए गए, उनको जेल भेजा गया, उन पर झूठे फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपार जन समर्थन मिल रहा है। अखिलेश यादव जी सरकार बनाएंगे, बहुमत से सरकार बनाएंगे, जवाब जनता ईवीएम पर देगी। और खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।